अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आज हम आप लोगों को जो और खुबानी शैतूत दिखाने वाले हैं, इसीलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आखिर तक जुड़े रहेगा हमारे साथ। हमारे यहाँ जौ का भी सीज़न आ गया है। ये बड़े होते जाते हैं ना, जितनी गर्मी होती है उतनी बड़े होते जाते हैं। अभी हमारे भाई लोग यहाँ पर दूध ला रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सीरत भी है यहाँ पर। देखो बारिश हो रहा है, देखो बारिश की तरफ हो रहा है, देखो सब लोग। देखो बहुत सारे तूता के हैं इसमें, अभी और भी आएंगे। देखो बहुत सारे आ गए, इस बार तो बहुत ही आ गए, मेरा सर पर पड़ गया है। देखो इसमें भी आ रहा है ना, और एक इसमें भी आ रहा है, दो थाली हो गए हैं इधर। अभी ये देखो, इस पेड़ ने बच्चा निकाला है। इसको मियाँ मियाँ क्यों कर रहे था बोलूं पहले, इससे ना अपना बच्चा नहीं मिला तो मियाँ मियाँ कर रहे, इसीलिए पहले मियाँ मियाँ कर रहे था ना। अभी इसको नहीं दिख रहे, देखो आंखें इधर करके है ना, बच्चा उधर है, पेड़ का बच्चा। मैं आपको पकड़ के दिखाऊंगा, चलो सीधा से पकड़ रहा है। आप हमें कुछ बताएगा इस बेड के बारे में। कल शाम को ये ना बहुत प्यारा है, ये दोनों। और ये तो ये क्या कहते हैं, ये छोटा छोटा परसों पैदा हुआ है, बच्चा हुआ है भेड़ को। और ये कुर्बानी का सीजन भी आ रहा है। कुर्बानी का सीजन आते ही हम लोग, 3 दिन बचा है कुर्बानी के लिए, कुर्बानी आते ही हम लोग एक बकरा ज़बह करते हैं, भेड़ ज़बह करते हैं मतलब। और ये हमारे और भेड़ भी हैं, इनका बच्चा निकाल के है इसीलिए अंदर रखा हुआ है। ये बहुत सारे भेड़ है, देखो हमारे कितने बोल हैं। ये बेड सबसे खतरनाक वाला बेड ये है। यहाँ पर हमारे जौ का भी सीजन आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। ये जो भी ना जितना ज़्यादा गर्मी बढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा ना जो भी बड़ा होता है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, और 1-2 महीने में ना हम लोग इनको काटेंगे, फिर हम लोग इनको हासिल करके बहुत ही अच्छा खाना खाएंगे। इनसे खाना बनता है, हमारी रोटी बनता है इन जौ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं बेची हुई हूँ। अच्छा, आप हमें कुछ बताएगा जी? ये ना टंकी साफ करने की हमारी ना ब्रश है, और वहाँ यहाँ से ये झाड़ू है, घर को साफ करते हैं ना, वो इसमें साफ पानी आता है। इसमें से हम पानी नीचे जाता है पाइप में से ना, फिर पाइप में से हम पानी पीता है। ये गंदा पानी है, देखो इसमें मछलियाँ रखते थे। वो जाल क्यों लगाया था बोलूँ? क्योंकि मछलियाँ अंदर नहीं जाते थे ना, पानी के साथ बाहर नहीं जाते थे, इसीलिए वो वाला जो जाल है उसी को लगाया। देखो और हमारे यहाँ पर खुबानी भी पकने वाला है। खुबानी के सीज़न में भी हम आप लोगों को दिखाएंगे खुबानी, खसूसी वीडियो बनाएंगे खुबानी के सीज़न में भी हम आप लोगों के लिए। ये जो है सोलर का मोटर है, ये सोलर से आता है, धूप में ही आता है ये पानी से। ये जो ब्लैक कलर वो मोटर है, और ये बिजली का है, बिजली का जो ना हम लोगों ने उधर आप लोगों को
हिला कर बारिश की तरह गिराते हुए दिखाया था ना, वो उस तरफ के लिए आदमी कम पड़ गए। तो हम लोग ना पेड़ पर चढ़ के इस टोकरी में, जो आप लोगों को दिख रहा है ये टोकरी में ना पेड़ पर चढ़ के दाने हाथ में पकड़ के फिर इसमें टोकरी में डाल के नीचे आके इधर से धो के इधर मोटर पर फिर हम लोग खाते हैं। ज़्यादा आदमी नहीं हुए तो उस तरफ गिराने के लिए इसे भी हम शहतूत से बनाते हैं। शहतूत से बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं। इसको हम उसे फड़िंग कहते हैं जो कि गायन को देते हैं, गायन को भी देते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, बल्ले बना के भी खाते हैं इसको, और गाय को भी देते हैं। उसे फड़िंग कहते हैं। इसको धूप में रखते हैं ना फिर उसे फड़िंग बन जाता है। यह खुद ही ये भी इस शहतूत से ना, ताज़ा शहतूत से इसको धूप पर रखा तो इसे हम उसे फड़िंग कहते हैं। ये रखा भी दूध को धोया है इस पानी से दो खाने के लिए रखा है फ्रेश होने तक। देखो मौसम भी अच्छा है अभी। वो देखो हमारे भाई सोलर प्लेट को साफ कर रहा है, वरना ना सोलर नहीं आता है। ये मोटर से भी पानी आ रहा है सोलर का, मोटर भी नहीं चलता है, साफ नहीं किया तो सोलर को। उसमें चार्ज नहीं होता है ना, सोलर को साफ किया था उसमें, इसीलिए हफ्ते हफ्ते में साफ करते हैं। आप ये शहतूत किधर ले जा रहे थे? अबू और अम्मी को खाने के लिए। अच्छा जी, बहुत ही मज़ा, मीठा मीठा है। मैं खा के देखता हूँ जी। बिस्मिल्लाह, आप हमें कुछ बताइए शहतूत के बारे में। ये देखो ये अभी थोड़ा थोड़ा पक ही जाए, ये हम नहीं खाते हैं इस टाइप की ना, इस टाइप की नहीं खाते हम, इस टाइप की खाते हैं। अभी शहतूत तैयार हो गया है, पहले इसमें डालते हैं, फिर इसमें डाल के पानी डाल के साफ करते हैं, फिर इसमें डाल के फ्रेश करके इसमें डाल के खाते हैं। अभी सीरत यहाँ पर खा रहे हैं। सीरत आप क्या खा रहे हैं? शहतूत मज़ेदार है। हाँ मज़ेदार है। किधर से लाए हैं? उधर से ना, नीचे। अच्छा उधर से लाए हैं। आप वहाँ पर थे? हाँ थे। किसने लाए हैं आपके लिए? मेरे लिए भाई ने। अच्छा कितने ने? एक ने लाए है सिर्फ, एक ने इतना ज़्यादा लाए है। आज की वीडियो में आप लोगों को शहतूत और जौ के बारे में बताया है आप लोगों को हमने। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग हमारी वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।